झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जोहार। आज हम विधानसभा टीवी में रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने मेहनत और अपने कर्मों के बदौलत एक अपनी पहचान बनाई है। नारायण दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड विधानसभा के सदस्य। हम इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में, खास करके हमारे दर्शक चाहेंगे कि ये अपने बारे में पहले बताएं। देखिए, मैं नारायण दास देवघर से विधायक हूँ और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जिला अध्यक्ष भी हूँ। पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिला और यूँ कहिए कि आज़ाद भारत में भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक देवघर से कोई बना तो नारायण दास ही बना। 1967 जब भारतीय जनसंघ था, उस समय श्री बालेश्वर दास जी विधायक बने थे, लेकिन भाजपा का पहला विधायक मैं हूँ। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, पैदल पांव चला करते थे। मेरे जैसे आदमी ने सड़क में मिट्टी काटने का काम किया। सूरत ऐसे शहर में 1200 रुपये पगार पर राजनीतिक जीवन के साथ साथ पेट भरने के लिए काम भी किया। दिल्ली ऐसे शहर, लक्ष्मी नगर शक्करपुर गणेश मार्केट गली नंबर 3, आज भी मुझे याद है कि एक मकान बन रहा था जिसमें मैंने चौकीदारी किया और 2 रुपया बचाने के लिए हरध्यान सिंह करोलबाग रोड से अजमेरी गेट आते थे तो वक्त ने ऐसा मजबूर किया कि हमने ठेला ठेलने का भी प्रयास किया। लेकिन बचपन से ही, चाहे स्कूली जीवन हो चाहे कॉलेज का जीवन हो, लोगों ने कहा कि आप में तेज है और मैं बाल स्वयं सेवक के रूप में संघ से भी जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा। और सबसे पहले मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का देवघर का प्रखंड अध्यक्ष बना। तो आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 से होती है। उसके पहले मैं संघ में था और संघ में काम करते करते सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो सबसे पहले मैं देवघर प्रखंड का अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बना। फिर मैं उसी प्रखंड का महामंत्री बना। फिर 7 साल मैं जिला भारतीय जनता पार्टी का सचिव भी रहा। कई बार डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का मेंबर बना, विसूत्री सदस्य बना। 2010 जब पहली बार झारखंड बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ तो मेरी पत्नी श्रीमती रीता भारती अंधेरी गादर पंचायत से मुखिया बनी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्टेट डेलीगेट बनाया, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया और 2014 में मुझे टिकट दिया। और मैं आप लोगों को बताते हुए काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि संथाल परगना प्रमंडल की आज तक की सबसे बड़ी जीत थी। वो लगभग मैं 45,000 प्लस वोट से जीता। फिर पार्टी ने 2019 हम पर भरोसा किया, पुनः वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं दूसरी बार विधायक बना है। आप बचपन से राजनीति में आना चाहते थे या कोई दूसरी इच्छा भी आपकी थी? बचपन से मैं कई चीज़ों में अपने आप को रमाया लगाया और शुरू से ही प्रेरणा रही कि मैं राजनीतिक जीवन में जाऊं। मेरे पंचायत में जितना भी काम होता था, जितनी भी योजनाएं आती थी, चाहे वो ग्राम विकास समिति हो, आज मैं दिघरिया पहाड़ जो आज़ादी का द्योतक केंद्र रहा है, पहला स्वदेशी बम वहीं परीक्षण हुआ था जिसमें प्रफुल्ल चंद चक्रवर्ती दिवंगत हो गए थे। वो बम इतना शक्तिशाली था कि जैसे हवा में छोड़ा गया, विस्फोट हुआ और वो दिवंगत हो गए। आज मैं कम से कम 15 साल से उस दिघरिया पहाड़ का अध्यक्ष बना हूँ, वन समिति का। वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाने का मैंने काम किया और मेरी योजना है कि जैसे अंडमान निकोबार में लाइट एंड साउंड सिस्टम के द्वारा सेकुलर जेल के विषय में बताया जाता है, क्रांतिकारियों के विषय में बताया जाता है, कि दिघरिया पहाड़ भी राष्ट्रीय स्मारक पार्क बने
और अंडमान निकोबार के तौर पर यहाँ भी वैसे क्रांतिवीर जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की वेदी को चूमने का काम किया और देश को आज़ाद कराने का काम किया, उसकी कहानी, उसकी कथा जो इतिहास के पन्ने में अभी धूमिल हो गई है, वो कैसे लोगों तक आए, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा रही तो निश्चित रूप से दिघरिया पहाड़ राष्ट्रीय स्मारक पार्क के रूप में विकसित होगा। छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना जो राजनीति में आने के लिए आपको प्रेरित किया हो? जो आदमी गरीबी में जीवन जीता है, जिसकी माँ दतुवन पत्तल बेचने का काम करती है, उस परिवार के साथ कितना कष्ट होता होगा, उसकी चिंता, उनकी चर्चाएं यदि मैं आपके बीच करूंगा तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। जब देवघर कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, कोरीडी हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद देवघर कॉलेज में जब हम पढ़े तो पैदल वहाँ से आते थे और पैदल घर जाते थे, करीब 15 किलोमीटर की दूरी थी। और माँ मेरी दतुवन पत्तल बेचने के लिए जब देवघर में आती थी तो रात को मैं माँ से कहता था कि माँ मुझे 2 रुपये की आवश्यकता है। माँ बोलती थी कि बेटा टावर चौक पर 12 बजे आ जाना, हम जब दोना पत्तल बेच लेंगे, दतुवन बेच लेंगे तो तुमको पैसा देंगे। वो 2 रुपया आज भी मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। आज माँ नहीं है, मलाल है इस बात का। कुछ दिन पहले पथ मजदूर थे हमारे पिताजी PWD में, वो भी दिवंगत हो गए। माँ अगर रहती तो एक विधायक के तौर पर अपने संतान को पाती तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी अच्छा संकेत होता। और वो माँ जिन्होंने इतना कष्ट करके मुझे पढ़ाने का काम किया, लिखाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, मेरा जीवन उसी माँ के श्री चरणों के लिए समर्पित है। आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं कोरीडी हाई स्कूल से मैट्रिक किया, इसके बाद पलायन, तो मैंने कहा कि मैं, मेरे सामने गरीबी की स्थिति थी, इसके बाद मैं दिल्ली ऐसे शहर चला गया। सूरत शहर आज भी आप जाएंगे तो पार्ले पॉइंट एक जगह है, उसके बगल में एक रुद्रावन अपार्टमेंट है, एक अंजनी टावर है, वो भी अपार्टमेंट है। मैं 1200 रुपये के पगार गुजराती शब्द है, मैंने लिफ्ट चलाने का काम किया। आज भी मेरा भांजा जिसका नाम जितेंद्र दास है, आज भी सूरत में लिफ्ट चलाने का काम करता है। इसके बाद जब सूरत गए तो लगा कि हम बाहर विदेश आ गए हैं। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया, दिल्ली नई स्टेशन के बगल में कमला मार्केट एक जगह है, वहाँ मैं अपने गांव के 2 आदमी का पता लेके गया। एक जसीडी का सरसा गांव का रोहित दास है और एक रोहनी के बगल में कानपुर गांव है पलटू दास, दोनों रिक्शा चलाने का काम करता था। पत्नी ने कहा कि बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप इधर उधर करते हैं, आप राजनीति कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ तो करना होगा। लेकिन शुरू से हमारे अंदर तेज था, हम आदर्श क्लब के अध्यक्ष थे, उस समय युवाओं के कप्तान हम हुआ करते थे, क्रिकेट का भी कप्तान हुआ करते थे, सांस्कृतिक चीज़ों में भी हमारा मन लगता था, पढ़ने में भी बहुत हम ये थे, लेकिन गरीबी क्या नहीं कराती है। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में भी काम किया, दिल्ली में हमने बोला कि लक्ष्मी नगर सक्करपुर गणेश मार्केट गली नंबर 3 में मैंने काम किया। और वहाँ जब मकान बन गया तो उसी मालिक के अंदर हम करोल बाग में हरध्यान सिंह रोड में उनका एक दुकान है शू मटेरियल्स का, उसमें एक लेबर का काम किए। और फिर पेट भी भरना, राजनीति भी करना, दोनों काम मेरा जारी रहा। और मैंने पहले बताया कि मैं अनुसूचित जाति से के अध्यक्ष से अपने दायित्व का निर्वहन करते करते मैं प्रदेश कार्य समिति के का सदस्य भी बना और 2014 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। आपका जन्म स्थान कहाँ है और जन्म कब हुआ था? आपके पिता माता पिता का क्या नाम? देवघर जिला के अंतर्गत देवघर प्रखंड एक ग्रामीण प्रखंड है, कोयरीडी गांव, ऐसे कहिए कि उस गांव का नाम राधे मोहडार है, लेकिन कॉल नेम कोयरीडी है। वहीं 1966 में मेरा जन्म हुआ। 2 बड़ी बहन है, मेरे बाद एक भाई है,
फिर एक बहन है, हम लोग तीन बहन दो भाई हैं, कोयरीडीही हम लोगों का वही जन्म हुआ। और कोयरीडीह मेरा राधे मोहडार जिस गांव की बात कह रहे हैं वो मेरा मामा घर है। मेरा पैतृक गांव जहां एम्स बना है खिरवातरी वो है, मामा नहीं था। इसके चलते हमारे फादर जो कहा जाता है देहाती में कि घर जमाई रहे, वहाँ स्कूल था बेसिक स्कूल, वहाँ हाई स्कूल था, पठन पाठन का मौका मिला और हम पढ़े। यदि मेरा जन्म राधे मोहडार में नहीं होता तो मैं आज विधायक नहीं बन पाता। लेकिन दोनों धरती पैतृक आवास को भी, हालांकि मेरा अभी घर नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सारी ज़मीन जो है एसपियाडा में चली गई है कुछ है। इसलिए हम लोग मूलवासी एक तरह से राधे मोहडार के ही हैं और वहीं से चुनाव भी लड़े और लोगों का प्यार मिला, आज आप लोगों के बीच विधायक के रूप में हम। राजनीति के अलावा आपके अभिरुचि किन चीज़ों में? क्रिकेट खेलना था, फुटबॉल खेलना था, साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव था, संगीत के प्रति प्रेम था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि रहती थी। और जैसा कि अभी आपने बोला कि जब आप विधानसभा में बोलते हैं साहित्य शायरी शेर, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, हम लोग तो बराबर आपका सुनते रहते हैं विधानसभा में। मैं काफ़ी अच्छे ढंग से प्रभावशाली ढंग से आप अपनी बातों को रखते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को आदर्श मानता हूँ। तो ये क्रिकेट वगैरह में रुचि, तो क्रिकेट में कौन खिलाड़ी आपको पसंद पड़ता था? मेरे लिए गावस्कर बहुत अच्छे थे, कपिल देव बहुत अच्छे थे उस ज़माने में, गुंडप्पा विश्वनाथ बहुत अच्छे खेलते थे, बैंकशर्कर ये सब फेवरेट थे आपके। संदीप पाटिल वो पाकिस्तान का मैच हारा हुआ मैच वो जिताने का काम किए, तो ये सब मेरे क्रिकेट के आदर्श रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं और कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए, परिवार किसी भी लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है, बड़ी चीज़ है जी। परिवार के बिना कोई चल नहीं पाता है जी। कोई चल नहीं सकता है। माँ बाप का आशीर्वाद मिला और संपूर्ण समय राजनीतिक जीवन के बाद यदि मेरा कहीं समय बीतता है तो परिवार के बीच ही बीतता है। परिवार मेरी शक्ति है। परिवार, मैंने कहा ना कि मैं बाद में विधायक बना, 2014 में भी मैं विधायक बना, उसके पहले 2010 में मेरी धर्मपत्नी रीता भारती जिन्हें देवघर जिला का बेस्ट अवार्ड मिला जी, वो बनी। इसलिए परिवार हमारी ताकत है और परिवार के बीच हम अधिक से अधिक समय देते हैं। राजनीति और लोगों के बीच जो समय निकलता है अभी वो परिवार के लिए। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी तीन बेटियां हैं, एक बेटा है, बड़ी बेटी बीए ऑनर्स कर रही है, छोटी बेटी भी बीए में है, बेटा मेरा आरके मिशन का विद्यार्थी रहा, इसी साल 10th का एग्ज़ाम दिया है, अभी वो नीट की तैयारी कर रहा है। अजय, अगर आप अपने क्षेत्र की समस्या का निराकरण नहीं कर पाते किसी मामले में तो कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, राजनीतिक जीवन में किसी भी जनप्रतिनिधियों से लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन मेरा प्रयास होता है, मैं बेवाक बोलने वाला शख्स हूँ और मैं राजनीतिक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। प्रयास रहता है कि 99% मैं सही बोलूँ। और 2019 का चुनाव मैंने इसी बात पर जीता कि किसी जनता ने मुझे कुछ कहा, यदि मैंने नहीं किया है तो बताइए। सारे लोगों ने कहा कि आपने जो कहा, हमने आपसे जो उम्मीद की आपने दिया। आज के जीवन में राजनीति में शुद्धता और स्वच्छता हो पाना एक बड़ी बात है। आप लोगों को भी पता होगा कि मैं निर्मल हूँ, निर्बल हूँ, जनता ही मेरी मालिक है और मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा हूँ। जितना प्रयास होता है मैं जनता के लिए खड़ा रहता हूँ और उनके दुख दर्द को मैं अपना दर्द समझता हूँ। आप जब से विधायक बने तब से झारखंड में अस्थाई सरकार है, तो अस्थाई उसके पहले जब भी झारखंड में सरकार बनती थी तो अस्थाई नहीं रह पाती थी, कुछ सरमान सरकार मुख्यमंत्री बदल जाते थे, लेकिन जब से आप बने 2014 से तो झारखंड में अस्थाई सरकार है, तो क्या बदलाव देखते हैं अस्थाई सरकार के रहने से? देखिए, झारखंड को जिस गति से
आगे बढ़ना था, निश्चित उसमें उस मापदंड को अभी तक हम लोग नहीं माप पाए हैं। जितनी भी नीतियां बनती है, जितना भी विधेयक पारित होता है, आप लोग भी विधानसभा के मीडिया कर्मी रहे हैं, क्या हाल है ये आप लोग भी जानते हैं। तो तीन राज्यों का गठन हुआ था एक साथ, वो राज्य कहाँ है और झारखंड राज्य कहाँ है? सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए, और जब तक सब मिल के प्रयास नहीं करेंगे, झारखंड एक विकसित राज्य है, झारखंड अपने आप में एक धनी राज्य है, कोई कमी नहीं है, चाहे जमीन के ऊपर देखिए, चाहे जमीन के नीचे देखिए, माइंस, मिनरल, वृक्ष, क्या नहीं है झारखंड में। सामूहिक प्रयास हो, सकारात्मक सोच हो, तो निश्चित रूप से झारखंड हिंदुस्तान का नंबर वन प्रदेश बन सकता है। सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। आप विधानसभा के समिति के भी सदस्य रहे हैं, तो इसमें आपका क्या योगदान रहता है? हमेशा आना होता है, जो भी कमेटियाँ बनती हैं, और मेरे लिए काफ़ी फख्र की बात है कि मैं कई कमेटियों का मेंबर भी हूँ। अभी बैठक चल रही थी 70, 75 और 25 का मामला लेके, प्रश्न और ध्यानाकर्षण, उसमें भी मेंबर हूँ, आंतरिक संसाधन का भी मेंबर हूँ, पहले प्राकलन समिति का भी हूँ, जैक का भी सदस्य हूँ। तो जिम्मेवारी किसे मिलती है? जिम्मेवारी उसे मिलती है जो जवाबदेही के साथ जिम्मेवारी का निर्वहन करता है जी। तो मेरा प्रयास रहता है कि जितनी भी कमेटियाँ समितियाँ हैं उनको मैं कारगर रूप से देखूं और काम करने का प्रयास करूं। आप अपने क्षेत्र में कोई दो ऐसा काम बताएं जो लगा कि आपने ऐसा किया तो आपको बहुत खुशी हुई, और कोई दो ऐसा काम जो भविष्य में आप करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। देखिए, देवघर जो है बाबा वैद्यनाथ की नगरी है जी, और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है जी। वहाँ ऋचाएँ गूंजती हैं, स्वमय प्रार्थनाएं होती हैं, और हमेशा शिव घोष का नारा होता है। जब पहली बार 2014 में हम विधायक बने, तो आप लोगों को भी पता होगा कि बाबा वैद्यनाथ के नाम से बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय बने, इसके लिए मैंने ज़ोरदार आवाज़ उठाया। और जब हमारी सरकार थी तो ध्वनि मत से वो पारित भी हुआ, और आज आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब वो स्वीकृत हो चुका है तो देवघर में बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा भी। दूसरी बात कि पुनासी जैसे जलाशय योजना अपनी सरकार बनने के बाद उसको चालू करवाना, और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो एम्स की बात कीजिए आप, एम्स कोई कहता था कि बिहार में बनेगा, एम्स कोई कहता था कि रांची में बनेगा, एम्स कोई कहता था कि धनबाद में बनेगा, लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को कि 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला फाइल पर अपना अमिट हस्ताक्षर किया तो वो देवघर एम्स के लिए किया। तो ये इसके बाद एयरपोर्ट का आना, देवघर को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देवघर में बाबा वैद्यनाथ है, मंदिर है, उसके बाद आरके मिशन है, महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी का आश्रम है, संत अनुकूल चंद आश्रम है, कई ऐसे रिखिया अंतर्राष्ट्रीय योग पीठ है। हम लोगों का प्रयास है कि राष्ट्रीय फलक पर देवघर की पहचान तो है ही, दुनिया के फलक पर देवघर कैसे स्थापित हो, इसके लिए हम लोग प्रयास तो भविष्य में कोई ऐसा दो योजना आपके मन में कि हम इसको करें? योजनाएँ तो बहुत हैं, बाबा वैद्यनाथ से शक्ति मांगते हैं कि हम कामयाब हों। और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक पार्क जी, ये बड़ी बात है जी। इतिहास किसे याद करता है? वक्त का दूसरा नाम इतिहास है जी। हमें आज़ादी मिली, वैसे महान सपूतों के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ, उसके किए हुए कार्यों को आम जनों तक ले पाएँ, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। अभी संस्कृत विश्वविद्यालय की बात किए, एम्स की बात किए, देवघर में बहुत कुछ हो सकता है जी। देवघर में आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं है, और फिर विकास तो एक प्रक्रिया है, देवघर को हम लोग कहाँ ले जाएंगे ये बाबा के ऊपर निर्भर है। तो आप शेर शायरी के लिए भी जाने जाते हैं,
तो आपने चाहने वालों के लिए कोई शेर आप कहना चाहेंगे अंत में? मुझे चाहने वाले बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि प्यार अगर एक शख्स का मिल जाए तो बड़ी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का मिल जाए तो बड़ी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको जो मोहब्बत मिली है आपसे, वो मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने के नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आँखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं आप लोगों को क्या नज़र दूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो नारायण दास जी ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे। हम यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। जय हिंद।